हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है गाइस। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने मेरे कुछ ये मिनिएचर गार्डन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सबसे पहले मैं ये अपना पुराना ही गार्डन दिखाना चाहूँगी, ये मिनिएचर वाला, लेकिन इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ स्टोन्स ऐड किए हैं और ये देखिए गाइज यहाँ पर सकुलेंट भी प्रेजेंट है, एक है चीर और दूसरा है डोंकी स्टेल। पेपेरोमिया को भी मैंने यहाँ पर लगाया है और ये सब है जो बरसात के मौसम में होते हैं, ग्रीन कलर की एल्गी, वो सब प्रेजेंट है यहाँ पर। सो इसे कर देते हैं साइड। और ये वाला नया है गाइस, तो ये इसे मैंने बरसात के मौसम में नहीं बनाया था, तो मुझे ये ग्रीन कलर का जो मैंने ग्रास जैसा क्रिएट किया है दूसरे गार्डन में वो मुझे मिला नहीं, क्योंकि विंटर सीजन में वो अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही जैसे बनाना चाहा था वैसे तो बना नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ कोशिश की है और इसकी रूट्स आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस न्यू ग्रोथ भी हुई है। मिनिएचर गार्डन बनाने के लिए मैंने कुछ चार गमले लेकर आए थे, लेकिन उनमें से दो में कुछ हमने जो सीड्स होते हैं वो बोए हैं, तो बस ये दो खाली थे इसीलिए मैंने इनमें बना लिया है। वो दो भी जब खाली हो जाएंगे तब मैं उनमें भी अपना मिनिएचर गार्डन क्रिएट कर लूँगी, तब मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए बस ये दो ही मेरे पास है। और देखिए कितना सुंदर सा मैंने बनाया है। तो गाइस आप लोग भी अपने घर को सजाने के लिए इस तरह का मिनिएचर गार्डन बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका प्रोसेस भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, तो गाइस प्लीज़ आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये जो दूसरा वाला है जिसमें अरेलिया का पौधा मैंने लगाया है, उस वाले का मैंने प्रोसेस नहीं दिखाया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है उसका भी। गाइज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक और चीज़ सिखाना चाहूँगी, ये है बटरफ्लाई प्लांट, और इसे आप पानी में कैसे इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, वो भी बस एक लीव्स के थ्रू। इनके फूल कुछ इस तरह के दिखते हैं, देखिए थोड़ा सा पर्पल वाइटिश कलर का होता है, और ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, स्पेशली इनके जो लीव्स होते हैं, इनके लीव्स से इनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का कारण है। ये देखिए ये छोटे से लीव्स कुछ इस तरह के होते हैं। फूल तो हालांकि छोटे छोटे होते हैं, लेकिन पत्तों का रंग बेहद खूबसूरत और इसका जो प्लांट का शेप है वो एकदम गोल सा हो जाता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है सबको। सो गाइस साल में एक बार इसका सीज़न आता है और वो सीज़न यही है, तो आप लोग जितना हो सके इसी टाइम में इसे ढेर सारा प्रोपागेट कर ले और घर में ढेर सारा उगा ले। इसके छोटे छोटे से बल्ब होते हैं, जैसे कि ऑनियन के बल्ब होते हैं उसी प्रकार के बल्ब होते हैं इनके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इनके पत्तों से रूट्स निकले हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए निकाल कर दिखा देती हूँ। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने कब इनको यहाँ पर रखा था पानी में, लेकिन हाँ गाइज बहुत दिन हो गए और बहुत दिनों के बाद यहाँ पर देखिए इनमें रूट्स निकल कर आई है छोटे छोटे से। आई होप कि आप लोगों को ये विजिबल होगा, तो मैं इनके जो रूट्स हैं इन्हें फ्रेश रखने के लिए रोज़ पानी चेंज करती हूँ। आप जब भी किसी प्लांट को पानी में रखते हैं तो पानी को चेंज करना बिल्कुल भी ना भूलें, पानी को चेंज करते रहना चाहिए, नहीं तो उसमें फंगल इन्फेक्शन या फिर किसी प्रकार का, सिर्फ फंगल ही नहीं दूसरे प्रकार का इन्फेक्शन भी हो जाता है गाइज। सो देखिए इस तरह से रूट्स निकल जाते हैं इनके पत्तों से ही, बहुत ज़्यादा आसान होता है ऐसा इस प्रकार से इन्हें ग्रो करना। अगर आप सोच रहे हो कि आप इनके पत्तों को सीधा निकाल कर ज़मीन में लगा दोगे तो ये ग्रो करेगा, तो गाइज ऐसा नहीं है, थोड़ा इनको मतलब कि टेक्निक होना चाहिए ग्रो करने का। तो सबसे पहले हम पत्तों को तोड़ेंगे, तो सबसे जो मतलब कि ओल्डेस्ट पत्ता होगा, सबसे पुराना थोड़ा, उसी को मैं निकालूंगी, एकदम फ्रेश वाले को मैं नहीं निकालना चाहूंगी गाइस। ये देखिए सो इसे मैं अभी पानी में रख देती हूँ, तो इसी प्रकार से हम और भी चार पाँच पत्तों को निकालेंगे और उन्हें भी पानी में रख देंगे।
मैं जो भी टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों को देती हूँ प्लीज़ वो आप फॉलो करें, तभी आपके भी प्लांट मेरे जैसे होंगे। मैंने बटरफ्लाई प्लांट्स को बहुत सारा प्रोपागेट करके ऑलमोस्ट अभी मेरे पास 7 नहीं तो 8 बटरफ्लाई प्लांट है, और ये जब बहुत बड़े हो जाएंगे गाइस इसके ऊपर एक और वीडियो आने वाली है तब। तो यही टेक्निक है गाइस, इसी प्रकार से आप इनको पत्तों से भी ग्रो कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए, और आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वो जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।